अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन मंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए एक टीस्पून कुटी हुई ज़ीरा, एक टीस्पून काली मिर्च, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून कुटी हुई धनिया, दो सूखी लीमू, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 अदद ग्रीन चिली और 1 चिकन क्यूब, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ाफ़रान जिसे हमने रोज़ वाटर में भिगो के रखे हैं, 2 अदद प्याज जिसे मैंने इस तरह से काटे हैं, 1 चिकन। इसे गार्निश करने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम और धनिया और 3 गिलास चावल जिसे मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। अब हम एक पतीले में 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि वो गोल्ड ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज गोल्ड ब्राउन हो जाता है हम उसमें चिकन ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ पकाएंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए हम उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हम तब तक चम्मच चलाएंगे जब तक कि सारा अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स ना हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ मिक्स हो जाता है हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मसाले जले ना। जैसे ही हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं इसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन रख के इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन 80% कुक्ड हो चुका है। अब हम इसको चिमटे की मदद से इसको निकालेंगे ताकि हमारी मुर्गी टूटे ना। मुर्गी को हम साइड में रखेंगे और अपनी चावलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चावलों का एक्स्ट्रा पानी जितना भी है हम सब चावलों से अलग करेंगे और चावलों को हम यखनी में ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ मुझे यखनी थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें 1 और कप पानी ऐड कर लिया। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक यखनी सूख नहीं जाता हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हम एक अलग बॉल में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें 2 टीस्पून सूखी शिमला मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून सूखी लहसुन ऐड करेंगे, 1 और जो हमारा बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट था उसमें से भी 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे चावलों का यह सूख चुका है। अब हम इस पर पेपर टॉवल लगा के धीमी आंच पे 20 मिनट तक दम पे रख देंगे। जो मसाला हमने तैयार किया होता है एक ब्रश की मदद से उसे चिकन पे लगाएंगे। अब चिमटे की मदद से इसको उल्टा करेंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही मसाला लगाएंगे। अब हम चिकन को एल्युमिनियम फॉइल में रैप करेंगे और इसे पैक करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास एयर फ्रायर है तो मैं एयर फ्रायर का यूज़ करूँगी। इसे 20 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ हम एक अलग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बादाम और किशमिश को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे।
यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल अच्छी तरह से पक गए हैं। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा सैफ्रन ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, अब हम इसे भी डिश आउट करते हैं।